बेटा जो मेल होता है मतलब पुरुष जो होता है मेल, उसमें टेस्टिस जो होता है वो दो काम करता है। एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन्हें कहते हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं जहां पर गैमेटोजेनेसिस होती है। दूसरा वो इंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है। आपकी एनसीईआरटी ने दोनों बातें अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। आइए हम लोग टेस्टिस को अच्छे से जानते हैं और ये सीखते हैं कि टेस्टिस के कितने फंक्शंस हैं, क्या क्या काम करता है और बॉडी में कहां पर है, क्या फंक्शन है, सारी चीजें हम लोग मतलब जितने भी चीजें लिखी है देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां से शुरू करते हैं कि भाई ये टेस्टिस है, ये इसके बारे में सबसे पहले आपको ये लिखना है कि देखिए वन पेयर टेस्टिस, पहला कमेंट वन पेयर टेस्टिस, वन पेयर टेस्टिस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन, वन पेयर टेस्टिस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन, ह्यूमन ब्रेकअप में आपको मेल लिखना पड़ेगा, मेल में पाया जाता है मतलब जो मनुष्य है उसमें एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं। सबसे पहली बात आपने लिखा। अगर इस बात को और भी हम मतलब लंबा खींचना चाहें और भी इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो अगर टेस्टिस की संख्या दो है तो उसे हम लोग डाइआर्जियम कहते हैं। ये देखिए अगर टेस्टिस दो है किसी व्यक्ति में तो उसे डाइआर्जियम कंडीशन है। टेस्टिस की संख्या अगर एक है तो इस कंडीशन को मोनोर्जियम कहते हैं। लेकिन अगर टेस्टिस की संख्या कुछ भी नहीं है, किसी को टेस्टिस ही नहीं है, तो उसे एनर्जियम कहते हैं। ये टेस्टिस की संख्या हो गई। अब इसमें ये जो पहला केस है, अगर दो टेस्टिस है तो वह व्यक्ति फर्टाइल है मतलब इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन अगर टेस्टिस संख्या एक हो या टेस्टिस एब्सेंट हो तो वह व्यक्ति स्टराइल हो सकता है। ये आपने लिखा टेस्टिस के बारे में। अगर आप इसकी लोकेशन देखिए, ये तो संख्या हो गई मैंने आपको बता दिया। अगर आप टेस्टिस के बारे में एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करना चाहें तो टेस्टिस के दो फंक्शन हैं। पहली बात तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन ऑर्गन्स को कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन्हें कहते हैं जहां पर गैमेटोजेनेसिस होती है मतलब अगर किसी भी जगह पर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अगर हम आपसे पूछें यहां पर कौन सा क्या फंक्शन हो रहा है गैमेटोजेनेसिस में तो आप कहेंगे सर गैमेटोजेनेसिस एक कॉमन टर्म है, एक्चुअली इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, इस टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ह्यूमन बॉडी के टेस्टिस में, चाहे स्पर्म कह दें और चाहे अगर हमें न लगे हमारा मूड न बने तो हम लिख दें कि सर देखिए स्पर्म न लिख के आप स्पर्मेटोजोआ लिख दीजिए। ये बॉडी में वो लोकेशन है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वो सेक्स ऑर्गन जो स्पर्म का मतलब गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, जो गैमेट का ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो आपको एनसीईआरटी ने लिखा हुआ कि टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। दूसरा ये इंडोक्राइन ग्लैंड भी है। इसका कारण यह है कि टेस्टिस से अगर आप देखें तो एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं, एक ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, एक ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं, ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं मतलब ढेर सारे मेल सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं और वो जो मेल सेक्स हार्मोन्स का ग्रुप है उस ग्रुप को हम लोग एंड्रोजेंस कहते हैं। मतलब एंड्रोजेंस अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से देखिएगा तो लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स, बल्कि इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसका एग्जाम्पल जो है वो टेस्टोस्टेरोन है। ये आप कह सकते हैं भाई टेस्टोस्टेरोन जो है ये एंड्रोजन का एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। तीसरी बात अगर आप टेस्टिस के बारे में देखें तो ये मिक्स ग्लैंड है, मतलब इसमें जो है इंडोक्राइन नेचर भी है, इसमें एक्सोक्राइन भी नेचर भी है। अगर आप इसका टेम्परेचर देखें तो इसका जो टेम्परेचर है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन, ऐसे लिख सकते हैं, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको सीखनी है टेस्टिस के बारे में। और भी बातें हैं ध्यान सुनते जाएं। टेम्परेचर के बारे में अगर आप देखें तो बिफोर
मतलब ये अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है मतलब एब्डोमिन से बाहर है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, एब्डोमिन से बाहर पड़ा है टेस्टिस, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है और एक्स्ट्रा एब्डोमिन है बिटवीन लेग्स, लिख सकते हैं दोनों पैरों के बीच में ये पड़ा हुआ है। ये आपको बेसिक बातें सीखनी है। इसका जो पाउच है मीनार, इस पे हम लोगों में तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है लेकिन अगर और भी केसेस में देखें तो ये जो है बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, एलिफेंट के अंदर, एलिफेंट की बॉडी के अंदर भी टेस्टिस पाया जाता है। तो क्या क्या कॉमन चीजें बातें होंगी, संख्या हो गई टेस्टिस की, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों नेचर है, मिक्स ग्लैंड है, टेम्परेचर की बात हो गई, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो गया। अब आइए इसका एक फिगर देखते हैं। अगर आप इसका फिगर देखते हैं, टेस्टिस का अगर आप फिगर देखें, यहाँ पर मैं ऐसे एक बेसिक सा आपको बेसिक बात बता दूं कि ये देखिए दो लेग्स हैं, यहाँ पर दो पैर हैं, इन्हीं पैरों के बीच में ये खास तरह का स्ट्रक्चर इसे पड़ा हुआ है। इसके ऊपर का जो ये एरिया है ये एब्डोमिन वाला एरिया है, ऐसा कुछ यहाँ पे लोकेशन है। अभी हम लोग और डिटेल देखेंगे तब बात समझ में आ जाएगी। अगर आप टेस्टिस का फिगर का डिटेल, टेस्टिस का फिगर का डिटेल देखें तो ये देखिए, अगर आपको इसे बनाना है तो ये देखिए, सबसे पहले आपको ये बनाना पड़ेगा, ये टेस्टिस का सबसे बाहरी पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस रहता है, ये सबसे पहले बाहरी ऐसे पाउच है टेस्टिस के अंदर, ये देखिए ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है, मतलब ये सबसे आउटर वाला एरिया है। इस आउटर एरिया के ऐसे यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर हेयर लगे होते हैं, इन हेयर्स को, इस टेस्टिस के इन हेयर्स को हम लोग पब्लिक हेयर्स कहते हैं। कौन से हेयर्स कहते हैं, पब्लिक हेयर्स कहते हैं जिसके ऊपर लगे रहते हैं, ये देखिए पब्लिक हेयर्स कहते हैं ऐसे। इस टेस्टिस के अंदर ढेर सारे ऐसे सेगमेंट पड़े हुए हैं इस तरह से, ये देखिए इन सेगमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, यहां लिख लेगा, इन सेगमेंट्स को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। एक टेस्टिस में इनकी संख्या 250 होती है, ऐसे लिख लीजिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, टेस्टिस के कंपार्टमेंट्स, इनकी संख्या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती है, इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ये देखिए एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ऐसे खास तरह के स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। ये इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या 1 से 3 हो सकती है, अगर आप लिखना चाहें तो इनके अंदर एक खास तरह के ट्यूब्यूल्स पड़ी हैं जिनको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इनके 1 से 3 इन ईच टेस्टिकुलर लेवल, इनकी संख्या एक टेस्टिकुलर लेवल में 1 से 3 है, मतलब अगर आप 215 × 3 कर दें तो एक टेस्टिस में इनकी टोटल संख्या 750 है। ये क्लास 12th में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, क्लास 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा कि टेस्टिकुलर लेवल संख्या 1 से 3 है और टेस्टिकुलर लेवल की संख्या 1 से 3 है और जो है एक टेस्टिकुलर लेवल में, सॉरी टेस्टिकुलर लेवल की संख्या 250 है और एक टेस्टिकुलर लेवल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। ये ऐसे ढेर सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो टेस्टिस के अंदर ऐसे पाई जाती हैं। इनके अंदर मैं इनका सेक्शन आपको बना के दिखाऊंगा, फिर हम लोग डिटेल बात करेंगे कैसे कंट्रोल होता है, क्या काम होता है। ये देखिए ये, अगर आप इनका और आगे डिटेल देखना शुरू करें तो ये इनका नाम लिख देंगे, सर ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। पहली बात तो आप ये लिख दें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के हेड को, जहां से आगे बढ़ती हैं, इन हेड को हम लोग ट्यूब्यूली रेक्टाई कहते हैं, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चल के एक खास तरह के स्ट्रक्चर में ओपन होती हैं, जिस स्ट्रक्चर का नाम ट्यूब्यूली रेक्टाई है। ये देखिए ट्यूब्यूली रेक्टाई है, इसके आगे जब चलेंगे और आगे जब चलेंगे ये ट्यूब्यूली रेक्टाई आपस में मिलेंगी, ऐसे ऐसे मिल जाएंगी, तो इस स्ट्रक्चर का नाम रेटी टेस्टिस है। ये देखिए ये रेटी टेस्टिस है, मतलब ट्यूब्यूली रेक्टाई आगे चल के रेटी टेस्टिस में मिल जाती है। रेटी टेस्टिस जब एकदम नजदीक आ जाती है, सब एक साथ मिल जाती है, तो
इस स्ट्रक्चर का नाम वेसल इफरेंसिया है। मतलब ये हुआ कि आपको ये बात सीखनी है कि सबसे पहले एक एक टेस्टिकुलर लिगुल में एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल ट्यूबुल इरेक्टाई में खुलती है, ट्यूबुल इरेक्टाई रेटी टेस्टिस में खुलती है। ये रेटी टेस्टिस वैसा इफरेंसिया में खुलती हैं, वैसा इफरेंसिया में खुलती हैं। या अगर आपको इनका नाम और क्लियर करना है तो इनका नाम डक्टस इफरेंटस है, डक्टस इफरेंटस भी नाम है। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, फिर आप ये देखिए जैसे ही ये वैसा इफरेंसिया इस टेस्टिस से निकल के बाहर आता है, ये देखिए ये जैसे ही निकल के बाहर आता है, ये जैसे ही बाहर निकल के आता है, इस स्ट्रक्चर का नाम एपिडिडाइमिस हो जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम एपिडिडाइमिस हो जाता है। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, आगे चल के इसके तीन पार्ट पढ़ने हैं, हम आपको पढ़ाएंगे। एपिडिडाइमिस हो जाता है, इसके भी फर्दर तीन टाइप होते हैं। ये एपिडिडाइमिस आगे चल के थोड़ा सा वाइड हो जाता है, वाइड जब हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है वेस डिफरेंस। ये देखिए इसका नाम हो जाता है वेस डिफरेंस नाम हो जाता है। मतलब अभी तो हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि एनसीईआरटी में जो सारे नाम लिखे हुए हैं वो सारे नाम आपको एक साथ समझ आ जाए, नहीं तो आप टेस्टिस पढ़ेंगे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसका जो ये पाउच है, ये जो पाउच है, इस पाउच को स्क्रोटम कहते हैं। ये टेस्टिस का पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस रहता है। ये देखिए ये पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस रहता है, इसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। ये भी सीखना है। अब आप ये सीखिए कि आगे चल के यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ जगह कम है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये देखिए ये है हमारी यूरिनरी ब्लैडर, ऐसे थोड़ा सा आप सीखिए। ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर है। थोड़ा सा बड़ा है, आप एक बार सीख जाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हमें आसान होगा सिखाना आपको। ये यूरिनरी ब्लैडर है, कैसे सीक्वेंस है बॉडी का देखें आप, नेचर ने कैसे अरेंज किया है लाइफ को। सेमिनिफेरस ट्यूबुल ट्यूबुल इरेक्टाई में, ट्यूबुल इरेक्टाई रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस वैसा इफरेंसिया में, वैसा इफरेंसिया एपिडाइमिस में, एपिडाइमिस वेस डिफरेंस में। और ये देखिए ये वेस डिफरेंस ऐसे यहाँ जाके एकाएक ऐसे स्वेल कर जाता है, स्वेल कर जाता है। ठीक इसी जगह पर एक खास तरह की ग्लैंड है जिसे हम लोग सेमिनल वेसिकल कहते हैं। ये देखिए ये, तो अगर आपको इस ग्लैंड का नाम लिखना हो तो आप थोड़ा सा दूर खींच के लिखते हैं कि सर ये ग्लैंड है जिस ग्लैंड का नाम सेमिनल वेसिकल है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको सेमिनल वेसिकल है, नाम बहुत सारे हैं सीखने पड़ेंगे। क्या ऐसा इस तरफ से भी तो होगा, वही तो टेस्टिस दो तरफ से है ना, तो ऐसे इधर से भी सेमिनल वेसिकल होगा। अब ये सब लोग आके आके खुल के यहाँ खुल जाते हैं यहाँ पे, तो सेमिनल वेसिकल के आगे इस जगह पर एक खास तरह की ग्लैंड है, इसके ऊपर रखी हुई है एक खास तरह की ग्लैंड है। इस ग्लैंड को हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके आगे यहाँ पर भी एक खास तरह की ग्लैंड है, यहाँ पर एक खास तरह की ग्लैंड है। इस ग्लैंड को हम लोग कॉपर ग्लैंड कहते हैं, कॉपर ग्लैंड कहते हैं। ये देखिए सॉरी, ये जो बल्बोरेथ्रा मैंने गलत लिख दिया, इस ग्लैंड का नाम प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। फाइव लोटे होती है, अनपेयर्ड होती है। अब आपको ये देखना है इसके आगे का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया जो है यहाँ पे ऐसे देखें, ये एरिया जो है इसे हम लोग पेनिस कहते हैं। ये देखिए ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग पेनिस कहते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे अरेंजमेंट है हमारी बॉडी में इस पूरे स्ट्रक्चर का। तो अब एक बार फिर से पूरा सीक्वेंस अगर देखें तो स्ट्रक्चर कैसा है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल ट्यूबुल इरेक्टाई में खुलती है, ट्यूबुल इरेक्टाई रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस वैसा इफरेंसिया में, वैसा इफरेंसिया एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस आगे खुलता है इस ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल में। ऐसे सीक्वेंस में सेमिनल वेसिकल आगे खुलती है, ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड से होती हुई बॉडी से बाहर चली जाती है। ये जो लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग पेनिस कहते हैं। यही है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन है? मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है ये यहाँ पे। अब ये जो पेनिस है इससे दो चीजें एक साथ पास होती हैं, इससे स्पर्म भी पास हो सकता है,
इससे यूरिन भी पास हो सकती है। लेकिन हम इस समय ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, इस समय हम पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली इसमें हार्मोन्स कहाँ पे है। तो एक बार आप समझ लें कि ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इन्हीं कंपार्टमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्स। टेस्टिकुलर लोब्स संख्या 250 है और एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। ये जो टेस्टिस का पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस रहता है, टेस्टिस का जो पाउच है, इसी पाउच को हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम ये देखिए, ये पिंक कलर का होता है, करीब रेड कलर या पिंक कलर होता है। ये टेस्टिस को एक तरह का प्रोटेक्शन देता है। लेकिन अभी तक हमने आपको बेसिक बात बताई है टेस्टिस की, लेकिन हमने आपको वो बात नहीं बताई कि हार्मोन्स कहां से निकलते हैं, क्योंकि हम इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ रहे हैं। इंडोक्राइनोलॉजी में हम लोग हार्मोन्स का डिस्कशन करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इस टेस्टिस में हार्मोन्स है कहां पे। आइए देखते हैं कि इस टेस्टिस में, ये जो टेस्टिस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका स्ट्रक्चर पढ़ा हम लोगों ने, इस टेस्टिस में हार्मोन्स कहां कहां से निकलते हैं। मैंने बोर्ड पे एक बात पहले ही लिख दी है कि टेस्टिस से जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो सारे मेल सेक्स हार्मोन्स के ग्रुप को हम लोग एंड्रोजन कहते हैं, और वो सारे के सारे हार्मोन का जो केमिकल नेचर है सबके सब स्ट्राइडल होते हैं। अब आपको ये देखना है दोस्त कि एक हम लोग सेक्शन बनाते हैं ऐसे, यहाँ पे ये देखिए, ये एक सेक्शन है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का, मतलब एक सेक्शन मैं बना रहा हूँ टेस्टिस का, एक सेक्शन बना रहा हूँ इसके अंदर। एक्चुअली मैंने सेक्शन गलत बना दिया, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से आप देख लें कि जैसे जैसे ये देखें कि जैसे ये देखिए, एक सेमिनिफेरस टिब्यूल ये है, एक सेमिनिफेरस टिब्यूल ये है, एक सेमिनिफेरस टिब्यूल ये है, ये ऐसे सेक्शन मैंने बना दिया। तो इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का अगर सेक्शन काटा जाए, मतलब लोग सेक्शन बनाए हैं, तो इन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के सेक्शन के अंदर आपको ऐसे कुछ खास तरह की सेल्स दिखाई पड़ती हैं, ऐसे कुछ खास तरह के चैम्बर्स दिखाई पड़ते हैं। ये देखिए, ऐसे खास तरह के चैम्बर्स दिखाई पड़ते हैं और इन चैम्बर्स में ढेर सारी सेल्स दिखाई पड़ती हैं। अगर आप इन सेल्स का नाम लिखना चाहें तो ये देखिए, सबसे पहले हमारी ये सेल्स हैं जो इसके चैम्बर्स पर लगे हुए हैं, इन सेल्स को हम लोग जर्म सेल्स कहते हैं। पहले आप इनका नाम लिख लें कि ये सेल्स हैं जिनको हम लोग जर्म सेल्स कहते हैं। आप अक्सर पढ़ते हैं कि बॉडी में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, एक सेल्स होती हैं जिनको हम लोग सोमेटिक सेल कहते हैं और एक सेल होती हैं जिन्हें हम लोग जर्म सेल कहते हैं। वो जो जर्म सेल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो सेल यही लोकेशन है। आप लिख सकते हैं कि ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। इन प्राइमोडियल जर्म सेल्स की जो प्लाइडी है वो 2N=46 है। यहीं से स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू होता है, इससे स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होता है, बाद में उनसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इन्हीं सेल्स के बगल में ये जो सेल्स हैं, ये जो आप चैम्बर्स में सेल्स देख रहे हैं, इनको दूसरे पेन से बनाया जाए ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। ये जो आप चैम्बर्स में सेल्स देख रहे हैं, ये जो चैम्बर्स है, इन्हीं चैम्बर्स में जो पड़ी हुई सेल्स है, इन सेल्स को हम लोग सर्टोली सेल कहते हैं। आप इनका नाम चाहे लिख लें ताकि आपको कन्फर्म रहे कि ये टेस्टिस के अंदर पड़े हुए, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर पड़े हुए खास तरह के चैम्बर्स हैं, जिन चैम्बर्स में जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम लोग सर्टोली सेल्स कहते हैं। ये देखिए, नाम लिख दीजिए कि इन सेल्स का नाम सर्टोली सेल है, चाहे आप इन्हें सर्टोली सेल लिखते हैं। अगर आपको सर्टोली सेल नहीं पसंद आ रहा है तो आप इनका नाम नर्स सेल लिखते हैं, नर्स सेल लिख दें। अगर आपको ये भी नहीं पसंद आ रहा है तो आप इनका नाम सस्टेंटाकुलर सेल लिख दें। बहुत सारे नाम हैं, चिंता नहीं करना है, बहुत आपको चीजें पढ़ाऊंगा मैं। ये देखिए, नाम लिख दीजिए कि इनका नाम सस्टेंटाकुलर सेल है, मतलब ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर ही पड़ी हुई हैं। नर्स सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल्स स्पर्म जब बन जाता है तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। सर्टोली सेल्स, इनसे भी हार्मोन्स निकलते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पढ़ना शुरू करें कि इस सर्टोली सेल को इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला FSH हार्मोन कंट्रोल करता है। ये देखिए पहली बात आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये देखिए, अगर ये किसका सेक्शन है, ये भी लिख देता हूँ, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल है। जो सेमिनिफेरस टिब्यूल अभी आपने पढ़ा कि टेस्टिस के अंदर 700-750 सेमिनिफेरस टिब्यूल है, उन्हीं सेमिनिफेरस टिब्यूल का ये सेक्शन है। ये देखिए, आप ऐसे चाहे घेर दें तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। इसमें ब्लड की सप्लाई है, बीच बीच में ऐसे ऐसे ब्लड की सप्लाई पड़ी हुई है। अब आपको दूसरी बात देखनी है, वो सेल देखनी है जिससे टेस्टोस्टेरोन निकलता है।
देखिए एक सेमिनिफेरस टिबूल ये है, एक सेमिनिफेरस टिबूल है, एक सेमिनिफेरस टिबूल है, ये तीन सेमिनिफेरस टिबूल्स आपके सामने बनी हुई हैं। इन्हीं सेमिनिफेरस टिबूल्स के बीच बीच में, मतलब दो सेमिनिफेरस टिबूल्स के बीच बीच में एक खास तरह की सेल्स पड़ी हुई हैं। ये देखिए खास तरह की सेल्स पड़ी हुई हैं, इन सेल्स का नाम है इंटरस्टीशियल सेल। इंटरस्टीशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये टेस्टिस के अंदर जो है दो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में पड़े हैं, या इन्हीं को लोग लेडिक सेल्स कहते हैं। चाहे आप लेडिक सेल्स कहते हैं, जाहिर सी बात है कि लेडिक कौन है, कोई साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने इस सेल को खोजा होगा। तो सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूबल के चैम्बर में पड़ी है, जबकि लेडिक सेल्स जो है वो इस टेस्टिस के दो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में पड़ी है। इस इंटरस्टीशियल सेल को ये देखिए मैं सेम पेन से बना रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ये हार्मोन है ICSH, कहां से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकलता है, वो इन्हें कंट्रोल करता है, जो भी है इनसे हार्मोन्स बनते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला ICSH कंट्रोल करता है। यहां पर भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला FSH हार्मोन इन्हें कंट्रोल करता है, मतलब आपको दोनों का कंट्रोल सीखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन कौन से इंडोक्राइन सेल्स है अपने पास, तो इंडोक्राइन सेल्स एक्चुअली टेस्टिस पे दो है। इंडोक्राइन सेल्स टेस्टिस के अंदर दो तरह की हैं इंडोक्राइन सेल्स। पहली जो सेल्स हैं उनका नाम देख लें आप, उनका नाम है इंटरस्टीशियल सेल। इंटरस्टीशियल सेल ये है पहली सेल, इंटरस्टीशियल सेल्स, या इंटरस्टीशियल सेल्स का नाम क्या है दूसरा नाम, अगर आप इनका नाम देखें तो ये लेडिक सेल्स है, ये लेडिक सेल्स है, ये देखिए ये पहली सेल्स है, इंटरस्टीशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। अगर आप ये इनका देखें तो लोकेशन अगर आपको लिखना हो, इंडोक्राइन सेल्स में पहली सेल्स है ये, अगर आपको इनकी लोकेशन देखना हो तो लिखिए लोकेटेड इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, लोकेटेड इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में ये सेल्स पड़ी होती है, मतलब दो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में ये इंटरस्टीशियल सेल्स पड़ी होती हैं। और देखिए रेगुलेटेड बाय, अगर इनसे पूछा जाए कि रेगुलेशन का कौन कर रहा है, रेगुलेटेड बाय, तो आप लिखेंगे सर रेगुलेशन जो होता है ICSH, पूरा नाम इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला ICSH हार्मोन इन्हें कंट्रोल करता है। ये देखिए रेगुलेशन हो गया। अगर इनसे हार्मोन्स देखा जाए ये कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, तो आप सर कहेंगे कि सर देखिए इनसे ढेर सारे स्ट्राइडल मेल सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स। ये देखिए मेल सेक्स हार्मोन्स, इन मेल सेक्स हार्मोन्स का नाम है, इनके ग्रुप का नाम एंड्रोजन है, जो ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स है वो सारे हार्मोन्स का नाम एंड्रोजन है। इनका एग्जाम्पल जो है वो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन निकलता है 12 से 13 साल पे हम लोगों में, एट द ऑनसेट ऑफ पॉबर्टी पे निकलता है। जितने भी मेल सेक्स हार्मोन हैं, सारे के सारे हार्मोन स्ट्राइडल इन नेचर हैं। ये सीधे न्यूक्लियस पे काम करते हैं किसी भी सेल के, मतलब स्ट्राइडल इन नेचर है ये हार्मोन, ये भी आपको देखना है। तो आप देखिए पहले मैं एक हार्मोन पढ़ाता हूँ आपको कि इस लेडिक सेल से जो आप देख रहे हैं, ये जो लेडिक सेल देख रहे हैं इससे ये हार्मोन निकल रहा है जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है। ये स्ट्राइडल हार्मोन है, स्ट्राइडल इन नेचर है। अब हमको देखना है कि टेस्टोस्टेरोन कब निकलता है। ये निकलता है सिक्रीट, ऐसे लिख सकते हैं सिक्रीट एट द ऑनसेट ऑफ पॉबर्टी, सिक्रीट एट द ऑनसेट ऑफ पॉबर्टी। पॉबर्टी क्या है, जब आप सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं तो उसे हम लोग पॉबर्टी कहते हैं बायो की भाषा में। ये देखिए 11 से 12 साल में ये ऐसा होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत आसान सी बात है, जब किसी को पब्लिक हेयर आ जाते हैं तो मान लिया जाता है कि वो पबिलिटी में आ गया है, उसमें अब सेक्सुअल मेच्योरिटी आ रही है। अब आइए देखा जाए ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या क्या काम कर रहा है। कंट्रोल देख लें, इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला ICSH इंटरस्टीशियल सेल को कंट्रोल करता है। मैंने ऐसे बना दिया यहां पर लिखा कि भाई देखिए आपको लिखना है फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो ये टेस्टोस्टेरोन है ये क्या क्या काम करता है। ये देखिए सबसे पहले इसके ढेर सारे फंक्शन हम लोग देखने हैं,
देखना है कि जो टेस्टोस्टेरोन है जिसको आप बहुत दिन से सुन रहे हैं, ये टेस्टोस्टेरोन करता क्या है। तो सबसे पहले ये जीवन में आग लगा देता है। जीवन में आग क्या लगा देता है, आइए देखिए। सबसे पहले मेल सेक्सुअल बिहेवियर में इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है? मेल सेक्सुअल बिहेवियर में। मेल सेक्सुअल बिहेवियर क्या है? वो मेल जो फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होता है, आप देखिए इसी उम्र में शुरू हो जाता है। मेल सेक्सुअल बिहेवियर को अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो इसके लिए उन्होंने एक टर्म लिखा है, लिबिडो टर्म लिखा है। मतलब जो आप किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बेवफाई के गाने सुनते हैं, पागल हो जाते हैं, वो इस हार्मोन के कारण होता है जिस हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है। और देखें डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड। ऐसे व्यक्ति को जब ये हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है तो उस व्यक्ति को दाढ़ी और मूछ आ जाती है। आप 11th से 11th में आ गए हैं, इसमें आप दिन भर दाढ़ी और मूछ देखते होंगे। ये जो दाढ़ी मूछ आई है उसका कारण ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। और देखें डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर। एक्सिलरी हेयर वो हेयर जो हमारे आर्मपिट में पाए जाते हैं, यहां पर पाए जाते हैं, एक्सिलरी हेयर कहते हैं। एंड पेल्विक हेयर, ऐसे हेयर जो सेक्स ऑर्गन के पास पाए जाते हैं, उन हेयर को हम लोग पेल्विक हेयर कहते हैं। ये भी इस हार्मोन का फंक्शन है। मतलब बाल बॉडी में जो आते हैं, सेक्स ऑर्गन के पास जो बाल आते हैं, आर्मपिट में जो बाल आते हैं, दाढ़ी मूछ जो आती है, वो इस हार्मोन का फंक्शन है। और देखिए इससे एग्रेसिवनेस आती है। एग्रेसिवनेस अगर कभी आप देखें, आप इस बात को सीखें, एग्रेसिवनेस होती है मतलब आदमी आक्रामक हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है। ये देखिए गुस्सैल हो जाता है, बात बात पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, उसका कारण भी ये हार्मोन है। इसलिए गाय भैंस में जो मेल होते हैं, गाय भैंसा होता है, बैल होते हैं, उनके टेस्टिस को क्रश कर देते हैं ताकि उससे टेस्टोस्टेरोन ना निकले, वो डोसाइल हो जाए, सीधे हो जाए। और देखिए इसका फैट और प्रोटीन पे एनाबोलिक बिहेव है। एनाबोलिक बिहेव मतलब ये हुआ, आप एनसीईआरटी क्लियर कर लीजिएगा, यही लिखा हुआ है, एनाबोलिक बिहेवियर है। मतलब हमारी बॉडी में फैट को डिपॉजिट कराता है, प्रोटीन को डिपॉजिट भी कराता है। इसलिए जब ये हार्मोन निकलता है तो आदमी में थोड़ी सी विड्थनेस आती है और लंबाई भी बढ़ती है, खास करके विड्थनेस आती है मतलब थोड़ी बॉडी चौड़ी हो जाती है। और देखिए कंट्रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस। बॉडी में जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे ये हार्मोन कंट्रोल करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? टेस्टिस में, इसलिए तो उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। और देखें लो पिच वाइज आप एनसीईआरटी क्लियर कर लीजिएगा, लिखा हुआ एनसीईआरटी ने कि लो पिच वाइज है। इसीलिए ऐसे मेल्स जिनमें आवाज आती है तो आवाज क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। देखिए अगर छोटी क्लास का बच्चा है, आवाज मोटी हो जाती है, भारी हो जाती है लड़के की। देखिए जब आप छोटे भाई बहन होंगे, कभी देखिए छोटी क्लास में होते हैं तो पता नहीं चलता है लड़का बोल रहा है लड़की, लेकिन जैसे ही हार्मोन निकलता है पिच वाइज लो पिच वाइज हो जाती है, आवाज मोटी हो जाती है। और क्या परिवर्तन होते हैं? देखिए इमोशनल हो जाता है, बात बात पे रोना, बात बात पे गाना, ये भी थोड़ी सी इसके साथ आता है। एक चीज आप देखें, यह हार्मोन ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसमें टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन कम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टेस्टोस्टेरोन कम है, हार्मोन का लेवल कम है। तो ये एक चीज और देख लें, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। पैदा होने के बाद जितने भी सेक्सुअल करेक्टर डेवलप होते हैं उन सारे करेक्टर्स को सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर कहा जाता है। इन्हें ये जो है हार्मोन डेवलप कराता है। जैसे एग्जांपल देखें आदम एप्पल क्या है? अगर आप समझे आदम एप्पल कुछ नहीं है, आदम एप्पल जो है ये हमारा गला है, यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। ये जो आप देख रहे हैं जितने भी पुरुष होते हैं उनमें यहाँ गले में ऐसे निकला रहता है कौवा जैसा, हम लोग कौवा कहते हैं। लेकिन महिलाओं की कभी भी आप ये देखेंगे, ये गर्दन देखेंगे, नेक देखेंगे तो आपको एकदम सपाट मिलेगी। तो
तो मेल को फीमेल को देखना आसान है, आप गर्दन देख के बता सकते हैं कि लड़का है लड़की है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर गर्दन में यहाँ पर इस जगह पर उभार है, ये एप्पल आदम एप्पल निकला हुआ है, तो आप जान लीजिए मेल है, उसमें टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है। और अगर अगर उसमें ये गर्दन में यहाँ उभार नहीं है तो जाहिर सी बात है ज्यादातर चांस है वो फीमेल होगा। तो इतने सारे फंक्शंस हैं इस टेस्टोस्टेरोन को जो मैंने आपको सिखाया। मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होना, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना, दाढ़ी मूछ का आना, इजिली हेयर का डेवलप होना, एग्रेसिवनेस, मैंने मेन बात तो लिखी ही नहीं, और भी इसके ढेर सारे काम है। देखें डेवलपमेंट ऑफ एनसीईआरटी मिला लीजिएगा, डेवलपमेंट ऑफ देखिए इपिटिडाइमिस अभी मैंने फिगर बनाया था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रट लीजिएगा। प्रोस्टेट, ये भी एनसीईआरटी मैंने फिगर बनाया था, पिछले फिगर में आपको देखना है प्रोस्टेट एंड पेनिस। जो पेनिस है मतलब जो मेल्स एक्सटर्नल फीमेल मेल जेनिटेलिया है, इनके भी डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसीलिए देखिए जैसे ही पबर्टी आती है ये सारे करेक्टर्स अपने आप डेवलप हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो जितनी भी बातें मैंने लिखी हैं कहीं न कहीं ये बातें आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। आपको एक एक बात को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, अच्छे तरीके से सीखना है। तो मैंने बताया आपको कि किस तरह से इंटरस्टीशियल सेल से टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है। अभी दूसरी सेल बची है जिसका मैंने भी आपको बताया कि ये देखिए ये जो सर्टोली सेल है इससे कौन से हार्मोन्स निकलते हैं इसको भी देखना है। आइए देखते हैं सर्टोली सेल्स के क्या क्या हार्मोन्स हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखें कि सर देखिए ये सर्टोली सेल्स हैं, तो इनके बारे में इनके नाम और क्या है, इनको सर्टोली जिसने खोजा था इसलिए इनका नाम सर्टोली सेल्स है। इनका दूसरा नाम क्या है, इनका दूसरा नाम नर्स सेल्स है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं। देखिए सबसे पहला इनका फंक्शन लिखिए, लोकेशन लिखिए, लोकेटेड इनसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर ये पड़ी हुई है। लोकेटेड इनसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है उसके अंदर ये सेल्स पड़ी हुई है और ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है। अगर आप इनसे हार्मोन्स देखें कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ये एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं लिखा है लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आपको ये बात सीखने आ जाए। या ऐसे देख लीजिए इसके फंक्शन देखिए कौन कौन से फंक्शन है, बहुत सारी चीजें एक साथ क्लियर होंगी। फंक्शन ये एनसीईआरटी में ही है लेकिन मेरा मन है कि मैं आपको पढ़ा दूं ताकि आपसे कोई आपको फंसा ना पाए, आपको लगे कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है। फंक्शन अगर आप देखें तो सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्म या न्यूट्रिशन टू स्पर्म। ये जो स्पर्म जब बन जाते हैं, न्यूट्रिशन टू स्पर्म, स्पर्म जब बन जाते हैं तो बने हुए स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है। पहला काम तो ये करती है, पहला काम। दूसरा देखिए, अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो आप सीखें कि ये मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोसाइट्स हैं, ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स आपने पढ़ा होगा, ये WBC का एक टाइप होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोसाइट्स है, इसलिए डाइजेस्ट डाइड स्पर्म, वो स्पर्म जो टेस्टिस के अंदर मर गए हैं उन स्पर्म को ये खत्म कर देती है, साफ कर देती है, मतलब टेस्टिस की सफाई का भी काम करती है। तीसरा फंक्शन देखिए ये बनाती है ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बनाती है। तो ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या है, अगर ब्लड टेस्टिस आप बैरियर समझें तो स्पर्म कैसी सेल है, आप कहेंगे सर हैप्लॉइड सेल है। स्पर्म कैसी सेल है, हैप्लॉइड सेल है, 12-13 साल पे पहली बार बनती है, तो उस समय स्पर्म को ये जो सर्टोली सेल्स हैं स्पर्म को ये ब्लड के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देती है, ताकि अगर ये ब्लड के कॉन्टेक्ट में स्पर्म आएगा तो मारा जाएगा, इस ब्लड से जो एंटीबॉडीज है ब्लड में वो मार देंगे, इसलिए ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है। तीसरा ये इंडोक्राइन नेचर है, इंडोक्राइन सेल्स भी हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करती है। इनसे तीन हार्मोन्स निकलते हैं, सबसे पहला हार्मोन है जिसका नाम ABP है, ABP का नाम पूरा अगर आप देखें तो इसका नाम पूरा है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये पहला हार्मोन इससे निकलता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। हम इस केस में टेस्टिस ही पढ़ रहे हैं इसलिए टेस्टिस को अच्छे से देख लेते हैं। दूसरा जो हार्मोन इससे निकलता है उसका नाम AMH नाम है, AMH का नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन,
एंटी मलेरियन हार्मोन, ये भी आप लिख लें ताकि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। एंटी मलेरियन हार्मोन AMH कहते हैं। तीसरा जो इससे हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम इनहिबिन है। ये देखिए इससे तीन हार्मोन्स निकलते हैं। अब आपको तीनों हार्मोन्स का डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एबीपी का फंक्शन पढ़ें कि एबीपी का फंक्शन क्या है, पहला हार्मोन है जिसका नाम एबीपी है, पूरा नाम आपने कहा सर इसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब आप इसका फंक्शन देखें, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है ये करता क्या है, ये जो पहला हार्मोन है ये हार्मोन आप देखिए टेस्टोस्टेरोन कहां बन रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाहर बन रहा है, और ये टेस्टोस्टेरोन बन के सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर जाता है। जब ये सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर जाता है तो ये जो होता है इट कंसंट्रेट्स टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करती है। कब करती है, जब वो डिफ्यूजन के द्वारा ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये डिफ्यूजन के द्वारा सेमिफेरस ट्यूबल के अंदर जाता है, उस समय ये टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है एबीपी। दूसरा अगर हार्मोन देखें तो उसका नाम एएमएच है, एएमएच का पूरा नाम है एंटी मलेरियन हार्मोन। ये दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है एंटी मलेरियन हार्मोन। अगर आप देखें तो इट क्या काम करेगा, देखें इट रिड्यूसेस या इट इनहिबिट्स लिख सकते हैं, इट इनहिबिट्स डेवलपमेंट ऑफ मलेरियन डक्ट। मलेरियन डक्ट अगर मेल में डेवलप हो जाएंगी तो इसमें फीमेल के करेक्टर डेवलप हो जाएंगे। ये देखिए ये डेवलपमेंट के दौरान एक डक्ट होती है मलेरियन डक्ट, अगर ये मेल में किसी तरह से डेवलप हो गई तो मेल में फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो फाफ या इनचिरिज्म डेवलप हो जाती है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम क्या है, अगर आप इनहिबिन को देखें तो इनहिबिन जो होता है, ये जो इनहिबिन है इसके बारे में लिखें सीधा, इनहिबिन इज एंटागोनिस्टिक टू FSH। ये देखिए एक हार्मोन और निकल के चलाया ये। अब आपसे मैं अगर कहूं कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, हाइपोसिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हो जाए तो क्या होगा, किसी व्यक्ति में अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए तो उसे प्रॉब्लम क्या होगी। आप कहेंगे सर देखिए उसमें स्टेरिलिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्टेरिलिटी हो जाएगी, या ऐसे व्यक्ति का जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाएगा। ये देखिए वैसे स्पर्म काउंट होने कम होने का जो मेन कारण है दो तरह के विटामिन है, विटामिन ए है और विटामिन ई है, जो स्पर्म काउंट में जर्म सेल्स के डिवीजन में मदद करती है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ए और विटामिन ई की कमी है तो उस व्यक्ति में भी स्पर्म काउंट होने के चांसेस कम है।